फोटोशॉप के इस वीडियो में आप सीखेंगे फाइल मेनू के अंतर्गत फाइल इन्फो, पेज सेटअप, प्रिंट विथ प्रीव्यू, प्रिंट, प्रिंट वन कॉपी, जंप टू और एग्जिट ऑप्शन का यूज करना। अगर आप इन सभी ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं रंजन सिंह और आप सभी को दैसारिंग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फोटोशॉप के इस वीडियो में आप सीखेंगे फाइल मेनू के पार्ट फोर वीडियोस के बारे में। तो चलिए फाइल मेनू पर क्लिक कर लेते हैं। पार्ट फोर में आप सीखेंगे फाइल इन्फो, पेज सेटअप, प्रिंट विथ प्रीव्यू, प्रिंट, प्रिंट वन कॉपी, जंप टू और एग्जिट ऑप्शन का यूज करना। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने इन सभी ऑप्शन को तीन वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर तीनों वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए पार्ट फोर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो ऑप्शन है फाइल इन्फो, इस ऑप्शन का यूज हम किसी भी फाइल का इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम फाइल में जाएंगे और यहां पर ऑप्शन है फाइल इन्फो, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए फाइल इन्फो की विंडो ओपन हो चुकी है। अब इस विंडो में जितना भी इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा जा रहा है सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देंगे। दोस्तों, इसे समझने के लिए कुछ एग्जांपल की जरूरत है। जैसे किसी भी इमेज को आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाकर डिटेल्स में जाते हैं तो वहां पर सारी डिटेल्स दिखाई देती है। जैसे उस इमेज का टाइटल, उस इमेज का ऑथर, ऑथर पोजीशन, कैप्शन, कैप्शन राइटर, जॉब नेम और कॉपीराइट स्टेटस, उसमें सारा चीज डाला रहता है। तो जो डाला जाता है वो यहीं से डाला जाता है, यानी फाइल इन्फो के द्वारा ही डाला जाता है। तो अगर आप भी इस इमेज का सभी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही इजिली ऐड कर सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए पहले यहां पर टाइटल पूछा जा रहा है। तो इस इमेज का टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूं बैनर, आप कुछ भी दे दीजिए। उसके बाद ऑथर, इस इमेज का मालिक कौन है वो आपको यहां पर टाइप कर देना है, तो जो भी है रंजन। उसके बाद ऑथर पोजीशन, उनका पोजीशन क्या है, वो चूंकि ऑनर है। उसके बाद इस इमेज के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो आप यहां पर कैप्शन लिख सकते हैं, जो लिखेगा उसका नाम यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद जॉब नेम, उसका जॉब क्या है, ठीक है, वो यहां पर उसका नेम लिख लेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है कॉपीराइट स्टेटस। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट कॉपीराइट वर्क, सेकेंड पब्लिक डोमेन और थर्ड अनमार्क। अगर आप अनमार्क यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि इस इमेज को कोई भी यूज कर सकता है। अगर आप पब्लिक डोमेन यूज करते हैं तो इसका मतलब भी सेम वही होता है कि पब्लिक इस इमेज को यूज कर सकती है, वो भी बिना कॉपीराइट का। अगर आप कॉपीराइट वर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस इमेज पर एक कॉपीराइट लग जाएगी, यानी कॉपीराइट टैग लग जाएगा, इससे इस इमेज को कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। अगर वो दूसरा यूज करता है तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। तो कॉपीराइट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कॉपीराइट का नोटिस डाल सकते हैं, जो भी आपको देना है। उसके बाद ऑनर का यूआरएल, यानी जिस यूआरएल पर इस इमेज को डालिएगा या फिर डाला हुआ है उस यूआरएल को, यानी उस वेबसाइट को इसमें टाइप कर दीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही आप ओके करते हैं ना, तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया था वो सभी इंफॉर्मेशन इस इमेज में सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फाइल इन्फो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फाइल मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप, और इसकी जो शॉर्टकट की है
शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी होता है। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना होता है, तो उसके पहले हम पे सेटअप करते हैं। ठीक है, अब पे सेटअप में हमको कौन कौन सी प्रोसेस करनी होती है, तो चलिए हम जाएंगे फाइल में और यहां से सिलेक्ट करेंगे पे सेटअप, या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से पे सेटअप की विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा, इसमें जो भी आप सिलेक्शन करेंगे, जो भी आप यहां पर इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी के अनुसार आपका प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होकर डॉक्यूमेंट पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्रीव्यू है, इसमें आपका शो करेगा जो भी यहां सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है पे सेटअप का, पेपर साइज, तो यहां से आपको पेपर साइज सिलेक्ट कर लेना कि आप किस पेपर पर इस इमेज फाइल को निकालना चाहते हैं। तो यहां पर बहुत सारे साइज दिए गए, ठीक है, आप जो भी चूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं A4 साइज। उसके बाद यहां पर सोर्स दिया गया है, तो सोर्स में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहां पर ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब इस डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल में निकालना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल में निकालना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। तो जैसा आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसके हिसाब से यहां पर सेट किया जाता है। तो अभी चूंकि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है यानी इमेज फाइल जो है वो लैंडस्केप में है, तो हम यहाँ लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेंगे तो ज्यादातर बेटर होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लैंडस्केप में प्रीव्यू शो कर रहा है। अब जैसे हम ओके करेंगे तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन मैंने दिया वो पेज सेटअप में सेट हो चुकी है। इस तरीके से आप पेज सेटअप की सेटिंग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट विथ प्रीव्यू, और इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस भी होता है। इस ऑप्शन का यूज हम इस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू यानी प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू कैसा होगा वो आपको देखना है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए प्रिंट करने से पहले इसमें प्रीव्यू शो करता है, यानी जैसे आप डॉक्यूमेंट पर प्रिंट कीजिएगा ना, तो उसका प्रीव्यू यहां पर शो करेगा कि इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट पर प्रिंट होगा। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट की साइज को हमने रिसाइज किया, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से ले सकते हैं डॉक्यूमेंट का, जो भी आप देना चाहते हैं। अभी आपका वाइट है जो आप देख सकते हैं, और ओके कर देते हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर लग गया। उसके बाद बॉर्डर दे सकते हैं, जो भी आप बॉर्डर का साइज देना चाहते हैं विड्थ उसका दे दीजिए, ओके कर लीजिए। इमेज का हाइट और विड्थ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि पे सेटअप में मैंने कुछ सेटिंग गलत कर दी है, तो यहाँ से आप पे सेटअप में जा भी सकते हैं। ये देखिए पे सेटअप की विंडो ओपन हो चुकी है, आप फिर से यहाँ से सिलेक्शन पे सेटअप के कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप डन करते हैं तो जो भी आपने प्रीव्यू में सेटिंग किया है वो आपका सेट हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करते हैं तो जो भी आपने सेटिंग किया है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका प्रीव्यू में डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है वो आपका प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहां से हम देख लेंगे। अब हम इसको डन कर लेते हैं। इस तरीके से प्रिंट विथ प्रीव्यू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फाइल मेनू के अंतर्गत वो है प्रिंट। तो हमने पे सेटअप कर ली है, अब हमें प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए हमें शॉर्टकट की अगर यूज करना पड़े तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से प्रिंट का विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में अब हमें करना क्या है, यहां से पहले प्रिंटर नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर हमारा कोई भी प्रिंटर नेम नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा कंप्यूटर अभी कोई भी प्रिंटर से अटैच नहीं है। ठीक है, अगर अटैच रहता तो यहाँ पर प्रिंटर नेम आता, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देना है नंबर ऑफ कॉपी। अब इस ये जो डॉक्यूमेंट है कितना कॉपी निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे ओके करेंगे तो जो भी आपने नंबर ऑफ कॉपी दिया है उसके अनुसार आपका प्रिंट होकर दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है
फाइल मेनू के अंतर्गत वो है प्रिंट वन कॉपी, और इसकी जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी होता है। इस ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब हमें फाइनली डिसीजन ये होता है कि हमें एक ही कॉपी प्रिंट लेना है। तो उसके लिए हम जाते हैं फाइल में, और यहाँ पर प्रिंट वन कॉपी है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी प्रिंटर कनेक्टेड रहता है उसके माध्यम से हमारा इस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी प्रिंट होकर दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है जंप टू, और इसमें एक ऑप्शन है जिसका नेम है एबॉर्ड इमेज रेडी 7.0, और इसकी जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम होता है। अब इमेज रेडी होता क्या है? देखिए, इमेज रेडी एक एप्लीकेशन है जो एडोब कंपनी का है, और फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन है जो एडोब का ही है। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि जम टू का मतलब क्या होता है, यानी ये जो फोटो है ये फोटोशॉप में बना हुआ है। अगर इसी फोटो को हम जंप करना चाहते हैं यानी ले जाना चाहते हैं इमेज रेडी में, तो आप यहां से ले जा सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में भी इमेज को रेडी किया जाता है यानी इमेज से संबंधित वर्क किया जाता है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इमेज रेडी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, और उसी एप्लीकेशन में हमारा जो भी एडोब फोटोशॉप का फाइल था वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आप इमेज रेडी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फाइल मेनू के अंतर्गत एक्सिट, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस क्वी। इस ऑप्शन का यूज हम फोटोशॉप से बाहर जाने के लिए करते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा कि ये जो आपने बनाया है इसको सेव करना चाहते हैं तो नहीं सेव करना चाहते, तो आप यहाँ से नो कर दीजिए। इस तरीके से आप फोटोशॉप से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।